में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बता दें कि तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक बिजली के तार से छूने की वजह से आग की चपेट में आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक बुरी तरह से जल चुका है। जानकारी के अनुसार ट्रक में कपड़े, ग्लूकोज की बोतलों की सप्लाई भदोही और उसके बाद पटना होनी थी। वहीं आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। सात निश्चय योजना के तहत गांव में हर घर नल का जल और पक्की गली नाली के कार्य में अब कोई बाधा नहीं रही। वार्ड विकास समिति के माध्यम से गांव में विकास योजना संचालित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन को पटना हाईकोर्ट ने संवैधानिक और वैध करार दिया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी और सदानंद सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भारत रत्न इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें राष्ट्रीय निर्माता करार दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी अगला सीएम बनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में चुनाव जीतेगी, लेकिन अब जेडीयू गुजरात में अकेले 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी ने कहा कि अगर बीजेपी गुजरात जीत रही है तो नीतीश कुमार वहां क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अपने विवादित बयानों के लिए जाते हैं। हाल ही में तेज प्रताप ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को घर में घुसकर मारने की धमकी दी थी। अब पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने तेज प्रताप को मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी है। बिहार के कुछ जिलों में स्कूली शिक्षकों को खुले में शौच की जांच का जिम्मा सरकार ने दिया है। वहीं नियोजित शिक्षक सरकार के इस निर्देश से नाराज हैं। सरकारी आदेश में समझाने के बावजूद खुले में शौच करने वालों को शर्मिंदा करने के लिए फोटो खींचने की भी बात कही गई है। बिहार के कुछ जिलों में स्कूल शिक्षकों को खुले में शौच की जांच का जिम्मा सरकार को देने पर लालू यादव ने सवाल खड़ा किया है। लालू ने कहा कि शिक्षकों को सरकार मारने की फिराक में है। बिहार में कृषि रोड मैप की तर्ज पर पर्यटन रोड मैप बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूबे के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि बिहार में कृषि रोड मैप की तरह ही पर्यटन रोड मैप बनाया जाएगा। पांडे ने कहा कि इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि पर्यटक किस तरह से बिहार के पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल पर जाएं, इसका इंतजाम जल्द किया जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगले 5 साल में पटना में रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यादव ने कहा कि पटना से बाहर जाने वाले या पटना आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रिंग रोड का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेडीयू के शरद गुट की याचिका पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। शरद गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुट को असली जदयू बताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में किसानों को कम दाम पर धान नहीं बेचना पड़े। उन्होंने कहा कि पैक्स में जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार में एक रैयत किसान ने 150 क्विंटल की जगह 200 और गैर रैयत किसान से 50 की जगह 75 क्विंटल धान खरीदने की नीति है।